शहर के एक नामी अस्पताल में अन्न व औषध प्रशासन ने छापा मार कार्रवाई करते लाखों रुपयों का बिना परवाना जमा स्टॉक जब्त करने से वैद्यकीय महकमे खलबली मची है। कोरोना काल में जीवनावश्यक दवाइयों का स्टॉक नियंत्रित रहे इसके लिए चंद्रपुर अन्न व औषध प्रशासन की ओर से विविध अस्पताल की अचानक जांच की जा रही है। जिलाधिकारी के आदेश के मुताबिक हो रही इस जांच दौरान शहर के एकोरी वार्ड में स्थित एक नामी अस्पताल में अन्न औषध प्रशासन का पथक पहुंचा। दौरान इस अस्पताल की जांच किए जाने पर संगणक के नोंद और प्रत्यक्ष स्टॉक इसमें अंतर पाए जाने से पथक ने अस्पताल की कड़ी जांच करने पर अस्पताल के तलघर में जमा कर रखा दवाई का स्टॉक पाया गया। इस बिना परवाना अवैध तरीके से जमा कर रखा बड़े पैमाने पर अलग अलग दवाइयों का स्टॉक पाए जाने से अन्न व औषध प्रशासन ने इस अस्पताल के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई को प्रारंभ किया है। बिना परवाना दवाई स्टॉक रखना और वह स्टॉक आदर्श स्थिति में न होना, इसी के साथ अन्न व औषध प्रशासन की संबंधित विविध कलम के मुताबिक यह कार्रवाई की जा रही है। दौरान कोरोना काल में अन्य किसी भी दवाई आस्थापना ने ऐसे पद्धति से गैरकानूनी स्टॉक जमा न करे ऐसा आह्वान भी प्रशासन की ओर से किया गया है। इस संदर्भ में जानकारी अन्न व औषध प्रशासन चंद्रपुर के सहायक आयुक्त सी के डांगे ने दी। एकोड़ी वार्ड चंद्रपुर में एक मानवटकर डॉक्टर मानवटकर प्रकाश मानवटकर इनका मानवटकर हॉस्पिटल है और यहाँ पे उनका खुद का मेडिकल शॉप भी है फर्स्ट फ्लोर पे। उनका रूटीन इंस्पेक्शन के लिए जब यहाँ पे आज विजिट किया तो कुछ अल्प्राजोलम ड्रग का सेल परचेस टैली करते हुए ये पाया गया है कि उनके पास जो स्टॉक है वो स्टॉक मैच नहीं हो रहा है। तब उनको मैंने पूछा कि ये स्टॉक आपका मैच नहीं हो रहा है तो आपने ये स्टॉक कहाँ रखा है। तब वहाँ पे जो मौजूद रजिस्टर फार्मेसिस्ट हैं उन्होंने बताया कि कुछ स्टॉक हम सर नीचे रखते हैं जो बेसमेंट में उनकी एक सेपरेट रूम प्रोवाइड की गई थी। तो मैंने उनको वो रूम दिखाने के लिए बोला तो वहाँ पे अल्प्राजोलम के अलावा और भी एंटीबायोटिक्स मल्टीविटामिन्स पेन के लिए पेन किलर मेडिसिन सिरप ऐसा बहुत सारा स्टॉक वहाँ पे स्टॉक किया गया हुआ था। जब उनका लाइसेंस के बारे में पूछा तो वहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार का लाइसेंस डॉक्टर मानवटकर ने नहीं लिया था। तो वो कायदे में जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट होता है उसका जो कलम होता है 18C विदाउट लाइसेंस दैट मीन विदाउट लाइसेंस तो विदाउट लाइसेंस का उन्होंने उल्लंघन किया है। कोई भी ड्रग जो मेडिसिन है उसको स्टोर करने के लिए प्रशासन के तरफ से एक विधिवत लाइसेंस दिया जाता है, उसके लिए उनको एप्लीकेशन करना पड़ता है, उसके लिए जो कंडीशंस है वो उनको फुलफिल करना पड़ता है, जैसे फर्नीचर हो, मेडिसिन स्टोर करने के लिए प्रॉपर उनके पास सुविधा हो, फ्रीज हो, इसी किसी भी प्रकार की कंडीशंस उन्होंने वहाँ पे ना रखते हुए और विदाउट लाइसेंस उन्होंने स्टोर किया, ये उन्होंने गुनाह किया है। ये सब कुछ देखते हुए पूरी जानकारी लेके उनके ऊपर ये जो मेडिसिन है करीब करीब 2.5 या 3 लाख का करीब करीब मेडिसिन है जो उन्होंने विदाउट लाइसेंस स्टोर किया था, जो उन्होंने पोंटा साहब झील लेबोरेटरी पोंटा साहब यहाँ से परचेस किया था, वो सब मेडिसिन विदाउट लाइसेंस स्टोर करने की वजह से उनकी जब्त की गई है और ये सब मेडिसिन जब्त करके उनके ऊपर जो कायदे में करतूत है चाहे न्यायालयीन कार्रवाई हो या जो भी कार्रवाई है वो उचित कार्रवाई उनके अगेंस्ट में की जाएगी।